हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 16 मार्च को टोटल दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल आज के इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द बॉन्ड ट्रेल। एक और आर्टिकल इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड आया है, उसका नाम है द नेम इज इलेक्ट्रोल बॉन्ड। दोनों आर्टिकल को क्लब कर समझेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड ये आर्टिकल है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। उसके बाद SBI को डेटा फर्निश करने के लिए कहा गया। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने वो डेटा रिवील किया है और उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, इसको समझना ज़रूरी है। क्रोनी कैपिटलिज्म से रिलेटेड चीज़ों पर भी डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड फैसिलिटी। ये फैसिलिटी कहाँ पर आई है, इसका क्या एम है, कौन ने इसको डेवलप किया है, ये सारी चीज़ों पर बात की जाएगी। स्टेट PCS में तो 100% आएगा, UPSC में भी आ सकता है और इसका आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आर्टिकल सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द बॉन्ड ट्रेल। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही। 2024 प्री में आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी जिसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को स्टक डाउन कर दिया गया था और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आए हैं, क्योंकि रिसेंटली SBI ने जो डेटा है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा, किसने परचेस किया है और किसने एनकैश कराया है, ये सारा डेटा जो है अब पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज़ कर दिया है। और उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। एक और आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं, द नेम इज़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड दोनों आर्टिकल को हम मर्ज करके समझेंगे। शुरू करते हैं, बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सबसे पहले 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। जब इंट्रोड्यूस किया था तो इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम ड्यूटी एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे कई सारे एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा था। एक जो इम्पॉर्टेंट डिटेल यहाँ आपको ध्यान रखनी होगी, जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम नहीं आई थी तब कोई भी कंपनी 7.5% ऑफ इट्स प्रॉफिट फ्रॉम द एवरेज ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम इतना ही पॉलिटिकल डोनेशन कर सकती थी कोई भी कॉरपोरेट कंपनीज। लेकिन जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया तो लॉस मेकिंग कंपनी और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कोई भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू क्या कर सकती है, पॉलिटिकल डोनेशन दे सकती है। इसके अलावा 20,000 से ऊपर की जो लिमिट थी, जिस अगर आप 20,000 से ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं तो उसका जो है ट्रेल होना चाहिए, उसका पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें कोई एनोनिमिटी नहीं रहेगी। ये वाला जो प्रोविज़न था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में था, इसको भी सरकार ने रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम आई थी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के अंदर जो है कोई भी कितना भी पैसा जो है क्या कर सकता था, डोनेट कर सकता था और उसमें फुल एनोनिमिटी रहेगी, ना पॉलिटिकल पार्टीज को पता चलेगा और ना ही जो दे रहा है डोनर उसके नाम को रिवील किया जाएगा, तो फुल एनोनिमिटी थी। 2017 में ही ADR, एक NGO है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 2 साल बाद इलेक्शन हुए, तब तक के किसी भी तरह का स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। पेटिशन रखी रही एंड फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब DY चंद्रचूड़ बने, उन्होंने ये पेटिशन ली और 2023 में इस पे हीरिंग शुरू हुई। 2023 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीज़न था उसको रिजर्व कर दिया और 15 फरवरी 2024 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट सुनाई। और जो वर्डिक्ट थी आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जो है क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये अंडर आर्टिकल 1921 जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन है लोगों को और इसलिए इसमें जो अनॉनिमिटी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सरकार जो है इसको क्या कह रही थी कि ये जो है
ब्लैक मनी को खत्म करेगी। कैसे खत्म करेगी, जो भी अकाउंट से पैसे लिए जा रहे थे है ना, उनका प्रॉपर केवाईसी था, बैंक अकाउंट से ही पैसे आ रहे थे, तो वो बैंक अकाउंट में जो इनकम टैक्स है वो चेक कर सकता था कि ये पैसा कहाँ से आया है और इन लोग डोनेट कर रहे हैं, तो सारा मनी एक बैंक अकाउंट से आ रहा था, तो जो मनी आ रहा था वो वाइट मनी था, ऐसा सरकार क्लेम कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इतनी एनोनिमिटी नहीं रख सकते, डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन होती है और लोगों को पता होना चाहिए कौन सी कॉरपोरेट कंपनी कौन सी पार्टी को कितना पैसा डोनेट कर रही है और क्या उसमें कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है, क्या कुछ बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, क्या इंटेंशन मालाफाइड इंटेंशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें लोगों के जानने का अधिकार है और इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इतना ही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि जो भी अभी तक के बॉन्ड दिए गए हैं उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो SBI है उसको फर्निश करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो अभी रिसेंटली SBI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है और इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख को रात 7-8 बजे के आसपास वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी है। SBI ने रजिस्ट जरूर किया था और कोशिश की थी कि ये इलेक्शन के बाद इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद SBI को वो इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ी। ठीक, तो ये हमारा क्या है, क्रोनोलॉजी है। अब जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, वो आर्टिकल में दी हुई है, शुरू करते हैं आर्टिकल। मेनली दो तरह की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। एक तो वो इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये पता चल रहा है कि जनरली जो डोनर हैं वो ऐसी कंपनी हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है और उन्होंने पेमेंट किया है और उसके बाद उनको बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा जो है डोनेशन दिया है केंद्र सरकार को और कई राज्य सरकार को जहां पर BJP की गवर्नमेंट है। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, एक सिम्बॉयटिक रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा क्या इशू है, दूसरा ये इशू है कि कई ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर ED की रेड पड़ी है और उसके बाद वहाँ पर वो कंपनी ने बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट निकल कर आ रही है। जो दूसरा केस है ED की रेड वाला, उसमें अगर हम देखें तो एक लॉटरी कंपनी है साउथ की जिसने बहुत बड़ा डोनेशन किया, ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का डोनेशन दिया है। और ये ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सरकार ने ED ने रेड करी थी और इनके एसेट अटैच किए थे, इनका डायरेक्टर को जेल में जो है डाला गया था। तो इस तरह की चीज़ें होने के बाद बहुत ज़्यादा हमें फंडिंग देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये एक्सट्रॉशन का तरीका है, ब्लैकमेलिंग का तरीका है, सरकार ED भेजती है और फिर अपने वो कंपनी से पैसा ले रही है ना, तो एक तरीके से ट्रांजेक्शन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है और ये सीधे सीधे करप्शन का केस है। ऐसा जो है एनालिसिस बहुत सारे न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया है, जो डेटा रिवील किया गया है। पहला वाला जो इशू था वो क्या था, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन है, जहां कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, टेलीकॉम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इससे रिलेटेड कंपनी जहां पर बहुत लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कई सारे क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। इन कंपनियों ने भी जो केंद्र सरकार है BJP पॉलिटिकल पार्टी की, उनको बहुत बड़ा डोनेशन किया है। चाहे आप लिस्ट में देख लीजिए, वेदांता ग्रुप हो, रोगांटा सन प्राइवेट लिमिटेड हो, जिंदल स्टील हो, पावर SL माइनिंग हो, और कई सारी जो कंपनीज हैं जैसे कि टेलीकॉम में भारती मित्तल हो, इन्होंने भी बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। ठीक, तो ये वाली कंपनी जहाँ बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है उन लोगों को डोनेशन देना ही पड़ा। तो ये एक तरीके से यहाँ पर आप एक ट्रांजेक्शन देख सकते हैं ना, एक काइंड ऑफ करप्शन देख सकते हैं कि या तो किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या तो किसी कंपनी को फेवर चाहिए है ना, कि रेगुलेशन या फिर काम फास्ट मोड में हो जाए, एकदम तेज़ी से सरकारी काम हो जाए, उन लोगों ने ही इतने बड़े बड़े डोनेशन किए। ये दो डेटा से ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रहे हैं। अब अगर हम इसे इकोनॉमी से कनेक्ट करें, तो इकोनॉमी से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये केस क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म का। ठीक, UPA 2 सबको याद होगा,
कांग्रेस की सरकार 2009 से 14 के बीच में बहुत सारे करप्शन केस थे और क्रोनी कैपिटलिज्म का इन पे बहुत आरोप लगा था। बिल्कुल उसी तरह के आरोप यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म होता क्या है? नेक्सस बिटवीन बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन। जो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है दोनों के बीच में साठगांठ हो जाती है और कुछ बिजनेसमैन जो कि टॉप पर हैं इन लोग पॉलिटिशियन के साथ मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट लेते रहते हैं, अपना एक्सपांशन करते रहते हैं, लेकिन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इससे इकोनॉमी में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ख़त्म होती है, मार्केट इकोनॉमी जो है उसको खतरा होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं प्रो बिजनेस होती है, प्रो मार्केट नहीं होती है। कैसे होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक सर्टेन सेक्टर में माइनिंग में कोई एक नई स्टार्टअप कंपनी आती है और स्टार्टअप कंपनी जो है ना अब अपनी बेट भर रही है, लेकिन उसको पता है वेल इस्टेब्लिश कंपनी जिनके पॉलिटिकल लिंकेजेस हैं उन्हीं को मिलेगा, तो ये कंपनी कितने समय तक सर्वाइव करेगी? पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसी कंपनी एक साल दो साल में फिर बंद हो जाती है, नई कंपनीज फिर बंद हो जाती है उस सेक्टर में, और अगर बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मोनोपोली हो जाएगी, और मोनोपोली होगी तो फिर जो रेट होंगे वो भी बहुत ज़्यादा लिए जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई जो पैसा ये कंपनी दे रही है जो मोनोपोली कर रही है वो कुछ ना कुछ पैसा सरकार को दे रही है या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रही है, उस लॉस को भरने के लिए किससे चार्ज करेंगे? कंज्यूमर से। तो किसका नुकसान होगा? कंज्यूमर का। हाई प्राइसेस होंगे मोनोपोली के कारण। 1991 के पहले भी मोनोपोली बहुत ज़्यादा थी और उसके कारण जो प्राइसेस थे गुड्स एंड सर्विसेज के बहुत हाई होते थे। कंज्यूमर गेन को नुकसान होगा, प्रोड्यूसर को यहाँ फ़ायदा हो रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी को लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर वेस्टेज होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट कम नहीं होगी क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है, मोनोपोली है, और ओवरऑल अगर देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ओवरऑल अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये हमारा क्या होगा, इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन होगा, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, और इसी कारण से जो जॉबलेस ग्रोथ थी यूपीए 1-2 के टाइम और एनडीए 1-2 के टाइम हमें देखने मिल रही है। यूपीए 1-2 के टाइम तो जो आरटीआई थी उसका यूज़ करके ये करप्शन केसेस बाहर आए थे, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू जब इसका डेटा आया है तो लोग इसी तरीके से इसे कनेक्ट कर रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म का ये केस हो सकता है। अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, अभी सिर्फ डेटा आया है और न्यूज़पेपर वालों ने उस डेटा का एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें बताई और उसी के हिसाब से हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं। जब तक कि कोई कन्फर्मेशन नहीं होगा हम किसी भी सरकार को ऐसे करप्ट या क्रोनी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, पर जो डेटा है उसके हिसाब से हम एनालिसिस तो कर सकते हैं कि उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे हमारी इकॉनमी में। तो ओवरऑल इकॉनमी में ग्रोथ तो दिखाई देगी लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ेगी, कुछ लोगों की इनकम बढ़ेगी, बाकी लोगों की इनकम में उतना फ़र्क नहीं आएगा, है ना, और एम्प्लॉयमेंट भी उतना जनरेट नहीं होगा। ये हमारे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन होंगे। एक और चीज़ आपको बताने वाली है यहाँ पर, जैसे कि एक ट्वीट किया था एक बच्ची ने और उसमें भारती मित्तल उनको भी टैग किया था और पूछा था कि आप लोग 4-5 साल से दिखा रहे हैं कि आपकी कंपनी 400 करोड़ 500 करोड़ के लॉस में है और उसके बावजूद भी आप 300 करोड़ से ऊपर का डोनेशन दे रहे हैं, तो 2017 के पहले ये पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने आपको बताया था 2017 के पहले पॉलिटिकल डोनेशन करने के लिए कंपनी को कम से कम 3 साल तक प्रॉफिट होना चाहिए और वो अपने प्रॉफिट का केवल 7.5% मैक्सिमम डोनेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते। अब यहाँ एक लॉस मेकिंग कंपनी को भी डोनेशन देना पड़ रहा है, भारती मित्तल एयरटेल कंपनी को डोनेशन देना पड़ रहा है, और उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जब इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम स्टक डाउन हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि लॉस मेकिंग कंपनी को भी फियर ऑफ मिसिंग आउट होने के कारण कुछ ना कुछ डोनेशन देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा यार? जियो हो सकता है कि सारे प्रोजेक्ट ले जा रहा हो क्योंकि वो पॉलिटिकल डोनेशन दे रहा है सरकार को, ऐसा दिमाग में आएगा किसके, भारती मित्तल के या फिर एयरटेल कंपनी के, है ना, तो उनको क्या लगेगा कि हमें सरकार की नज़रों में बने रहना है, अगर हमें फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो हमें पॉलिटिकल डोनेशन देना पड़ेगा। क्या हुआ अगर हम लोग जो है लॉस में है लेकिन अगर हमें आगे तक बिजनेस करना है तो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी ही पड़ेगी और जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है उसे फंडिंग करनी पड़ेगी ताकि हम उनकी नज़रों के सामने बने रहें। हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ भी ऐसे कोई ट्रांजेक्शन ना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी ना हो,
लेकिन सिर्फ सरकार के सामने दिखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो कि लॉस मेकिंग है उसको ही क्या करना पड़ रहा है, डोनेशन देना पड़ रहा है। पहले तो नहीं था ये सारे प्रोविजन, लेकिन अभी ये सब करना पड़ रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो हमने कंसेप्चुलाइज की थी कि ब्लैक मनी जो है ख़त्म करेगी, ये कहीं ना कहीं कंपनीज ही ख़त्म कर रही है, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया। इसके बहुत खतरनाक इम्प्लीकेशन अभी हमें देखने को मिल रहे हैं जब डेटा रिवील हुआ है। कुछ लोग ट्विटर पे ये भी कह रहे हैं कि जो कंपनीज़ हैं 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे ही डोनेशन कर दे रही है यार, 10% 15% एम्प्लॉयज़ को बोनस देने के लिए जो कंपनी रोने लग जाती है, वो कंपनीज़ इतने आसानी से इतना बड़ा बड़ा डोनेशन कर रही है, और अगर वो एम्प्लॉय को बोनस दे तो उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो एम्प्लॉय खुश तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय दैट कंपनी विल इंक्रीज इन फ्यूचर, ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा, GDP बढ़ जाएगा, है ना। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेबर की, GDP बढ़ रही है, और इतने सारे इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, पॉलिटिकल फंडिंग कर रही है। तो ये भी एक जो है नया डायमेंशंस सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉइंट तो है उनकी बात में। अब एक चीज़ को आपको यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है, अभी जो डेटा रिवील किया गया है उसमें केवल डेट है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इशू करने की और कितने रुपए का है, कौन सी पार्टी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कौन सी डेट में एनकैश किया है और उसकी उसका डेटा है। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि हर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में होगा, वो कोड अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है, और इस ये जब कोड आ जाएगा तो हम लोग सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश कराया। अभी जो हम लोगों को डेटा रिवील हुआ है उसमें हम लोग डेट के हिसाब से, क्योंकि 15 दिन के अंदर रिडीम कराना है, तो डेट के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये पार्टी को ही ये पैसा मिला होगा, इस कंपनी ने दी होगी। तो अभी सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड आ जाएंगे तब सर्टेनिटी के साथ कहा जाएगा। और SBI ने ये कहा भी था, अपना एक एफिडेविट जब फाइल किया था कि हम ये वाला जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है अगर हम ये वाला डेटा रिलीज़ करेंगे तो हमें 4 महीने लगेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, आप तुरंत जो भी डेटा है उसे अभी रिवील करिए, फर्निश करिए, और फिर इलेक्शन कमीशन ने वो डेटा रॉ डेटा दिया है। हालांकि इंडिया के लोग तो भाई आप जानते ही हो इतने टैलेंटेड हैं, लॉजिकल रीजनिंग सब लोग जानते हैं, और ये कनेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, ये डॉट कनेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, और सारे न्यूज़पेपर और नॉर्मल सिटीज़न ने भी ये डॉट को कनेक्ट कर लिया कि कौन ने कितना पैसा किसको दिया होगा। लेकिन जब अल्फा न्यूमेरिक कोड आ जाएंगे तब ये सर्टेनिटी के साथ कहा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा SBI को कहा है कि आप लोग जो है ये अल्फा न्यूमेरिक कोड वाला डेटा भी क्या करें, रिलीज़ करें। सो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से रिलेटेड हो गई, और जो डेटा रिवील हुआ है उससे रिलेटेड उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे वो सब हमने देख लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट नेक्स्ट, क्या हम कर सकते हैं अब इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स करने के लिए, इलेक्शन में जो ब्लैक मनी है उसे ख़त्म करने के लिए आगे क्या किया जा सकता है। ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स करने के लिए किया गया था, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी, अब चूंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है तो नेक्स्ट क्या किया जा सकता है। जो नीचे वाला आर्टिकल है उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है वो है स्टेट फंडिंग का। अब स्टेट फंडिंग ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये आपको उपाय दिया जा रहा हो, ऑलमोस्ट 1990 के बाद जितनी भी कमिटीज़ बनी है इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म के लिए सब ने एक ही चीज़ सजेस्ट की है कि भाई इलेक्शन में ब्लैक मनी कम करना है, एक्सपेंडिचर कम करना है तो हमें स्टेट फंडिंग करनी पड़ेगी। स्टेट फंडिंग का मतलब क्या है, सरकार जो है फंड करे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने के लिए। इसका मतलब ये है कि सारा पैसा जो आएगा वो सरकार देगी इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और फिर उसी से चुनाव लड़े जाएंगे। तो इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लैक मनी है उसे ख़त्म कर सकते हैं, किसमें, इलेक्शन में। इज़ इट वायबल, पॉसिबल लग रहा है आपको ये,
बहुत मुश्किल है। अभी तो जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी उनका इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो जो है इस इंडिया में कोई एक स्टेट में इलेक्शन है उसके लिए भी जो है स्टेट फंडिंग करते, वो भी वायबल नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। हो सकता है फ्यूचर में कभी जब इंडियन गवर्नमेंट इंडिया डेवलप्ड हो जाए, इंडियन गवर्नमेंट की रेवेन्यू कैपेसिटी बहुत हाई हो जाए, तब हो सकता है वो ये एक्सपेंडिचर करें, लेकिन अभी के समय में तो ये स्टेट फंडिंग वाला आइडिया नॉन वायबल दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था, पूरा एनालिसिस था। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 ज्योग्राफी मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, UPSC प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेट PCSKR बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। MPPSC अभी 28 तारीख को होने वाली है नेक्स्ट मंथ, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है, काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टेट PCS के लिए। UPI PCS में भी आ सकता है और महाराष्ट्र PCS में भी, तो जितने छोटे मोटे एग्जाम है उसमें तो आ ही सकता है। UPSC में भी आ सकता है क्योंकि आजकल UPSC में भी स्टेट PCS जैसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, एक आध दो ही आते हैं लेकिन अपने को पढ़ना तो सब पड़ेगा। ठीक, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। क्या हुआ है ये समझते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है इस फैसिलिटी को, मध्य प्रदेश में सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। अगर MPPSC में आएगा तो डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाएगा, और अगर जनरल दूसरी एग्जाम में आया तो मध्य प्रदेश स्टेट का नाम आएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेंगे आपको। तो ये जो रिसर्च फैसिलिटी है इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। ये जो फैसिलिटी है इसका एम क्या है, टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द वेदर पैरामीटर्स लिंक टू इंडियन को मानसून कोर जोन। जो इंडियन मानसून कोर जोन है उससे रिलेटेड जो वेदर पैरामीटर्स हैं उसकी स्टडी करना और उसको ऑब्जर्व करना। तो बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन फैसिलिटी है जो कि 100 एकड़ एरिया में क्या फैली हुई है, कहाँ पर, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 25 हाई एंड मीटरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं जो कि स्टडी करेंगे किसकी, वाइटल क्लाउड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विथ इंडिया मॉनसून कोर जोन। जो क्लाउड प्रोसेसेस हैं उससे रिलेटेड चीज़ों की स्टडी यहाँ पर की जाएगी। ठीक, तो इसकी नीड क्या है, थोड़ा सा नीट के बारे में समझेंगे तो पूरा आर्टिकल इजीली समझ में आ जाएगा। IMD को तो जानते ही होंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, बिल्कुल। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, फोरकास्ट देता है, मॉनसून आएगा नहीं आएगा, सूखा पड़ेगा, ये सारे फोरकास्ट कौन करता है, IMD। IMD के फोरकास्ट उठा के देखो पिछले 10 साल के, 6 से 7 बार तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ इन लोग फेल हुए होंगे। क्यों, ये जो फोरकास्ट करते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाती चीज़ें, है ना, बोला है कि सूखा पड़ेगा और पानी आ जाता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, एक तो हमारी जो कैपेसिटी है क्या कैपेबिलिटी है जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है उसको समझने की वो इतनी ज़्यादा अभी नहीं है, है ना। जो हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है, जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, इसको हम ऑब्जर्व करके, इसको स्टडी करके, है ना, क्या करें, फोरकास्ट करें, पर ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कई सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पे जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है वो डिपेंड करती है और उसके हिसाब से पानी गिरता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक ऑब्जर्वेशन फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं ताकि हम प्रॉपरली स्टडी कर पाएँ ये एटमॉस्फेरिक फेनोमेनास को, जो क्लाउड है उससे रिलेटेड फिजिक्स को अच्छे से समझ पाएँ ताकि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि यार कहाँ पानी गिरेगा, कहाँ पानी नहीं आएगा। ठीक, तो ये जो फैसिलिटी है ये किसने डेवलप की है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 125 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा ये जो फैसिलिटी है वो डेवलप की गई है। मेन एम क्या है इनका, इनका जो मेन एम है वो है ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन करना ऑफ वेदर पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, विंड स्पीड, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रांजिएंट स्नो
सिनोप्टिक सिस्टम लाइक लो प्रेशर एरियाज एंड डिप्रेशन फॉर्मिंग इन बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है हमें, कहाँ पर, जिंदगी में नहीं अपनी यार, है ना। जो डिप्रेशन आता है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और आपको अरेबियन सी में देखने को मिलता है। तो इस डिप्रेशन, है ना, जो लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है उसको क्या किया जा रहा है यहाँ पर, उसकी स्टडी की जा रही है। इसको अगर हम प्रॉपर स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार पानी आ सकता है नहीं आ सकता है, ठीक। अब ये MCZ क्या है, मानसून कोर जोन। मानसून कोर जोन की बात करेंगे तो सेंट्रल इंडिया का ये एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम पानी गिरता है, गुजरात से वेस्ट बंगाल के बीच में, इसी जोन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% इंडिया का जो पानी आता है वो किससे आता है, आपका मानसून से आता है, बचा हुआ वेस्टर्न डिस्टरबेंस और नॉर्थ ईस्ट जो आपका रेन, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रिट्रीट मानसून होता है उसके थ्रू आता है। तो आपका 75% तो साउथ वेस्ट मानसून से ही आ रहा है ऑन एन एवरेज, जितना भी पानी गिर रहा है। अगर हम इस 75% रेनफॉल के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो हमें MCZ जोन की स्टडी करनी पड़ेगी, मानसून कोर जोन, जो कि गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल के बीच में है, ठीक। तो सेंट्रल इंडिया अपने आप में एक्ट एज अ नेचुरल लेबोरेटरी करेगा फॉर साइंटिस्ट एंड मीटरोलॉजिस्ट टू परफॉर्म अ हैंड ऑन स्टडी ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून की स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई जगह है तो वो क्या है, सेंट्रल इंडिया ही है। और इसी कारण से सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश आपका उसमें भी एकदम सेंटर में, उसमें भी एकदम सेंटर मतलब सीहोर एकदम भोपाल के पास में, वो भी सेंटर में है, तो वहाँ पर जो है ये फैसिलिटी डेवलप की गई है। क्योंकि ये सेंटर इंडिया में एक विलेज में बनाई गई है फैसिलिटी, तो यहाँ पर रिलेटिवली पॉल्यूटेंट्स के होने की संभावना भी बहुत कम होगी, पॉल्यूशन भी ना के बराबर है, रिलेटिवली फ्री ऑफ पॉल्यूटेंट्स एरिया होगा। तो ऑब्जर्वेशन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी बड़े सेंसिटिव होंगे, बढ़िया काम करेंगे, अच्छा डेटा आएगा, और उस डेटा का जो हम लोग क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे फोरकास्ट करने के लिए, प्रॉपर स्टडी करने के लिए, समझने के लिए। और ये सब सारी चीज़ें क्यों की जा रही है यार, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो है एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, रेनफॉल फ्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के बैकड्रॉप में ये सारी चीज़ें की जा रही है। अब मेंस में आप जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें जब भी लिखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में ये वाला जो इनिशिएटिव है उसको भी डाल दो, तो मेंस में काम आ जाएगा, GS3 में काम आ जाएगा आपका सरकार के इनिशिएटिव्स में। तो ये बेसिकली आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता तो सबको होता है, नॉलेज तो सबने पढ़ रखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। That's it for today. Thank you and enjoy your day.